अभी मौसम अभी बारिश बंद हो चुकी है। कैसे हो आप सभी, आई हो आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं हूँ कुठिया से और यहाँ का मौसम आज बहुत ही ठंडा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और मैं यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। और पहाड़ पूरे कोहरे से वो ढक चुके हैं और शायद से पहाड़ों पे बर्फ़ भी लग चुकी होगी पूरे पहाड़ों पे ऊपर ही ऊपर। और यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। और बारिश है सुबह से, अभी बज चुके हैं दिन के 11। और यहाँ पर देखो ऐसा मौसम हो रखा, कोई इंसान बाहर नहीं दिख रहा है ठंड के कारण। और ये है गुनु, गुनु हेलो करो। अभी बज चुके हैं 12 और अभी थोड़ा मौसम साफ हो गया है और थोड़ा धूप आने लग गई है। और आज मैं बना रही हूँ चुड़कानी, भट्ट की चुड़कानी। वो हमारे इसमें तो फेमस नहीं है, हमको नहीं पता है, मैं आज ही बना रही हूँ। मगर जो हमारे यहाँ के जो और लोग हैं गढ़वाली लोग, वो खाते हैं चुड़कानी और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी बना सकूँ चुड़कानी भट्ट का। और आज वैसे ही मैं चुड़कानी बनाऊंगी। और मैंने तेल, और आपको तो पता ही होगा कि चुड़कानी बनती है आपके काले भट्ट से, और मैंने काले भट्ट निकाल दिए हैं। मैं पहले भट्ट को लूंगी कढ़ाई में ऐसे करके, ऐसे बनता है ऐसे, मैंने भी यूट्यूब पे देखा था। हमारे यहाँ भट्ट थे तो आज मैंने कहा क्या बनाया जाए, मैंने कहा आज चुड़कानी बनाई जाती है। ये देखो ऐसे करके भूनते हैं इसको। अरे अब आवाज देने लग गए चट चट के, इसको थोड़ा ऐसे ही भूनते रहेंगे हम। आवाज सुनो आप, और मैंने फिर जो काले भट्ट हैं उन पे आवाज़ आने लग गई थी तो मैंने कढ़ाई से निकाल के उसको अलग से एक प्लेट में रख दिया था। और फिर मैंने कढ़ाई को गैस में रखी और उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसमें प्याज फ्राई करना था तो हमने ऑयल डाला थोड़ा सा और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। और साथ ही साथ मैंने गुन्नो को पानी गर्म कर दिया क्योंकि गुन्नो पानी मांग रही थी, और इतने ठंडे में ठंडा पानी देने से उसकी जो गला है वो बहुत ही बैठ जा रही है और ठंडा लग जा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया। और ये गर्म हो चुका था इसलिए मैंने थोड़ा देर वैसे ही रखा जिससे कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। गाइस ये है प्याज और टमाटर जिसको कि मैंने पहले ही काट दिया था, और मैंने उसको कढ़ाई में डाला पहले प्याज को जब तक वो रेडिश ब्राउन ना हो जाए तब तक, और मैं उसे भूनने लगी एक कट्टी के माध्यम से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। प्याज फ्राई कर दिया है ये, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से जो कर रहे हैं काम, संडे के दिन भी काम पे लगे हुए हैं। और ये है होमवर्क कर रहे हैं। हेलो गाइज, जो कि बहुत ही व्यस्त है। एक है ये मैडम जो कि बहुत व्यस्त है खाने में, और हमने और मैंने इसे टमाटर डाल दिया है। अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डाल देंगे, नमक और हल्दी पहले। ये है स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, इसको हम भूलेंगे।
मसाला रेडी होता है तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा बता देती हूँ कि किस प्रकार से हो रखा है बाहर का नज़ारा। और अब थोड़ा सा धूप आने लग चुकी है, नहीं तो ठंड के मारे यहाँ तो भयानक वाला रूप हो रखा है हमारा। और अभी मौसम, अभी बारिश बंद हो चुकी है और नीचे पे लोगों ने गाय बाहर बांध दी है। और ये देखो, और अब हम ये डाल देंगे। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा आटे का घोल मिलाया जिससे कि उसकी दाल की जो थिकनेस है वो बढ़ जाए और उसका स्वाद बढ़ जाए। और उसी तरह मैंने इसको, मैंने ऐसे देखा था तो मैंने ऐसे किया। और ये है दाल जिसमें मैंने आटा मिला दिया है। और हमने थोड़ा सा आटा मिला दिया है इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। और ये मैंने चाय भी रख दी है साथ में, क्योंकि आज ठंडा मौसम है तो चाय पियेंगे। और मेरे हस्बैंड को भी चाय चाहिए थी। और इधर से हमारी चुटकानी तैयार होने वाली है, क्योंकि ये और इसकी थिकनेस देखो गाढ़ी हो गई है आटा डाल के, और अच्छा सा हो गया है। पता नहीं स्वाद में तो कैसे होगी, मगर देखने में अच्छा लग रहा है, लाजवाब जैसा आपको भी। और साथ ही हमारी चाय भी अब बनने उबालने वाली है, उबाल आएगा उसमें क्या करके। चाय भी उबल चुकी है और साग भी बन चुका है, थोड़ा गाढ़ा जैसा हो गया। थोड़े इसको हम और इसमें हम पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। और हमारी चाय बन के तैयार होने वाली है। ठीक है, टू कप टी रेडी है। आप लोग चाय नहीं देगा, एक ही आप यही मैं दो कप चाय और अब हस्बैंड जी को दे देंगे, जिनके साथ मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है। और स्माइल देखो, स्माइल ही नहीं आ रही आज तो। और पता नहीं इनका ज्यादा ही काम रहता है शायद से। और हमारी चुटकानी तैयार है और हम भी अब गर्मा गर्म खाना लगाते हैं अपने लिए। और हमारी चुटकाने वाली थाली तैयार है, और हमारी चुटकाने वाली थाली तैयार है। इसमें है आज दिन के भोजन में पापड़, तले हुए मिर्च और चुटकानी और भात। और इसे हम खाएंगे मस्त तरीके से। गुन्नू से पूछेंगे कि कैसा बन रहा है चुटकानी। गुन्नू खा के दिखाओ तो कैसा बन रखा है, खाओ तो सही तभी तो पता चलेगा। तो खा के दिखाओ कैसा हो रहा है। हाँ अभी का बनना है भाई वीडियो पहले। कैसा हो रहा है यहाँ पे हो रहा है? आप गुनों के पापा से पूछेंगे कि कैसा हो रहा है चुटकाने जो खा रहे हैं दबा के, कैसा हो रहा है। बढ़िया, चुटकानी तो अच्छी हो रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जो भट है वो पूरी तरह से मेरी पक्के नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसी होती है या फिर उनको मैंने ज़्यादा भूनना था। प्लीज खा चुकी हूँ अपना खाना। और यहाँ हम तीनी हैं और तो सब घर ही में है, सास ससुर लोग। तीनी को खाना पड़ता है खाना, ऐसे एक यहाँ पे बैठे गए, एक उधर पे, तीनों कोने में तीन लोग बैठे गए हैं। बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।